बस स्नोफॉल करा देना. मेरी मेरी जो भी वीडियो देखेगा मेरी जो भी वीडियो देखेगा और उससे हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त है, विनय निवेदन है कि जब भी आप किसी भी ट्रैवल कंपनी को, किसी भी पर्सन को वो इज लिंक्ड विद द दिस इंडस्ट्री ना, जो हॉस्पिटैलिटी में है, टूरिज्म में है, द पीपल, अगर आप किसी होटल को भी कांटेक्ट करते हो मनाली शिमला मसूरी में, प्लीज डोंट से देम कि स्नोफॉल करवा दोगे या कल स्नोफॉल हो रही है. हाँ, हाँ उनको पता है, डेफिनेटली पता है ना, कि भगवान के एजेंट्स हैं वो. वो भगवान के एजेंट्स हैं, भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे एक्चुअली. उनको बताया था कि वत्स जो भी कॉल आए, कोई भी तुझसे पूछे, बोल देना क्योंकि कल मैं कर रहा हूँ. पता है उनको, अंतर्यामी है. उनको ये भी पता होगा गाइस, डेफिनेटली तुमने हल्के में लिया है उन लोगों को. उन लोगों से ये भी पूछना कॉल करके कि कोविड 19 कब खत्म होगा, कोविड 19 की वैक्सीन कब आएगी, डेफिनेटली ये भी पूछना. हाँ, अरे ये पूछना, कोविड तो अभी है, एचआईवी की वैक्सीन पूछो ना गाइज, डेफिनेटली पूछो, अभी तक नहीं बनी है, क्या हो रही है, कहाँ बन रही है, पूछो जरा. सो पता होती है ये सारी न्यूज, ट्रैवल एजेंट्स को पता होती है ये, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक होता है. वो फिरकी नहीं ले रहे होते ना, वो फिरकी नहीं लेता कोई. Nice point. वो भगवान से डायरेक्टली लिंक में होती है. Nice point. भगवान से, अरे दिस has happened a number of times. स्नोफॉल करवा दोगे, मैंने कहा what do you mean by that? Like how can you say that? मैंने कहा ओके, समटाइम्स आई डेफिनेटली आस्क देयर एज. मैंने कहा ओके, आई एम 26. गाली देने से, गाली देने से पहले पूछता हूं कि तू है कितने साल का. हाँ, है कितने साल की, साल का पता लग जाता है कि ओके, कि फिर पता लगता है कि साहिल एज इज ऑल जस्ट अ नंबर. ठीक है, एज डजंट मैटर इन ऑल दीज थिंग्स, इट्स रिगार्डिंग द कॉमन सेंस. हाँ, सो This question is not having any answer. ठीक है, ये sarcastically ही ऐसे बोल दो, लोगों को automatically answer मिल जाता है. तभी मैंने बहुत ही ना तमीज से बोला है अभी बहुत. This can't be thing. But yeah, that was the thing कि what you were saying कि driver and tourist. हाँ, यार ये वाला discussion ना काफी सालों से चलता आ रहा है, चलता रहा है, चलता रहेगा. ठीक है, ये हमेशा रहेगा. ये ना जब मैं भी एक्चुअली इसमें आया था, तब तक हमारे पे डिफरेंस नहीं होता था. ठीक है, ओके, आई एम अ ट्रैवलर, वी यूज्ड टू से ओके, कौन आए हुए, मेरे इधर टूरिस्ट आए हुए हैं. सो दैट वाज अ वेरी टर्म, जो हम टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं ये, या फिर ये दो ऐसे वर्ड्स हैं हम जो मिक्स एंड मैच करके यूज करते रहते हैं. ठीक है, नाउ देयर इज एग्जैक्टली एज यू सेड कि बहुत ही एक थिन लाइन है हमेशा इसमें ना, ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बहुत ही एक छोटी सी थिन लाइन है. अ पर्सन, इसका तो डिफरेंशिएशन यार मोहित, लेट्स डू वन थिंग, देयर इज अ प्रॉपर डिफरेंशिएशन नाउ. पीपल हैव रिटन व्लॉग्स, ठीक है, व्लॉग्स लिखे हुए हैं लोगों ने, व्लॉग्स बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, देन वी हैव इन्फोग्राफिक्स. Then we have infographics as well. A proper, you remember in school days or in college when we used to create a difference. Ki, okay, herbivores and carnivores create a difference. We used to make a margin, used to make a table, then herbivores eats plants, carnivores don't eat plants. So this kind of differentiation we have. ये वाले differences की पूरी list है एक, अगर किसी को चाहिए हो मैं search out करके दे दूंगा. वो प्रॉपर लिस्ट है कि टूरिस्ट क्या होता है, ट्रैवलर क्या होता है. बट यह देयर इज अ वेरी थिन लाइन. ठीक है, जब आप एक लाइक एक ट्रैवलर भी होता है ना, मेरे ख्याल से मैं बोलूंगा, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, इफ अ पर्सन इज गोइंग टू अ प्लेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मैं सिक्किम नहीं गया कभी, या फिर मैं गोवा नहीं गया कभी. सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई वुड बी गोइंग देयर, आई विल बी अ टूरिस्ट. पॉपुलर प्लेसेस मैं मिस आउट नहीं करूंगा. जैसे मुझे कोई बोलेगा वाह, व्हाई गोइंग टू बागा बीच, इट्स सो डाउन, इट्स वेरी लाइक आउट, वेरी आउटडेटेड, ठीक है ना, आउटडेटेड हो चुकी है, या फिर बहुत ही यार बहुत ही भीड़ होती है वहां पे, इट्स नॉट पॉपुलर. डूड, गो टू साउथ गोवा, चिल ओवर देयर. ठीक है, मैंने कहा बट फॉर अ पर्सन हु इज विजिटिंग दैट प्लेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ही और शी डेफिनेटली विल बी विजिटिंग ऑल दोस प्लेसेस जो पॉपुलर हैं. अगर जब मैं मनाली गया था पहली बार, मैंने हिडिंबा देवी और वशिष्ठ देखा था. ओके, ठीक है. नाउ माय सेकंड विजिट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस विल नॉट बी अराउंड द टूरिस्टी प्लेसेस, और जो हर कोई फर्स्ट टाइमर्स करता है.
एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम जैसे मैंने हिडिंबा दोबारा देख लिया. हाँ होता है कि काफी बार जब हम खुद से स्लो ट्रैवल कर रहे होते हैं, चलो आई हैव नथिंग टू डू, लेट्स गो टू हिडिंबा टेम्पल, जस्ट सिट ओवर देयर, इट्स अ वेरी गुड प्लेस, बहुत सारी वुड्स हैं और पेड़ों के बीच में वो मंदिर, ठीक है चले जाते हैं. बट ऑलवेज विल कीप इन माइंड कि इफ आई एम विजिटिंग अ प्लेस फॉर द सेकेंड टाइम, मेरा कुछ ना कुछ एड ऑन होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ नया होना चाहिए कि ओके दैट्स सो दैट सेकंड टाइम आई वेंट टू मनाली आई वेंट फॉर भृगु लेक ट्रैक, ओके राइट. तो अब मेरा ये है कि मनाली वुड बी द बेस, आई वुड बी स्टेइंग इन मनाली फॉर अ नाइट जस्ट फॉर एक्लेमेटाइजेशन पर्पस, एंड देन विल लीव नेक्स्ट डे, विल लीव फॉर गुलाबा एंड देन विल ट्रैक टू रोलाकोली फॉर भृगु लेक, ठीक है. सो दैट वॉज ऑल्सो आई विजिट इन मनाली ओनली, मैं मनाली ही गया, बट देन माई थिंग्स गॉट चेंज. तो ये बहुत ही छोटी थिन लाइन है, जब भी तुम किसी पहली जगह जाते हो ना, अगर किसी भी जगह जाओगे वो टूरिस्ट ही खिलाएगी, वो टूरिस्ट की तुम पहली बार आ रहे हो, एंड देन व्हेन यू आर डन एक्सप्लोरिंग विद दैट पर्टिकुलर प्लेस, व्हेन यू आर कमिंग आउट, ठीक है ना, हाँ नॉलेज है उस जगह के बारे में, तो तुम खुद निकलते हो, अपना बस्ता लिया, ISBT से बस पकड़ी, निकल गए किसी भी जगह के लिए, यू आर फाइंडिंग योर स्टे ऑन योर ओन, ठीक है, आत्मनिर्भर हैशटैग, ठीक है ना, हैशटैग आत्मनिर्भर तो हो जाते हो तुम. आत्मनिर्भर तो हम तो पहले ही थे, है ना, हमारे लिए कोई नया टर्म नहीं है, आत्मनिर्भर तो लोग थे, सोलो ट्रैवलर्स आर नोन एज आत्मनिर्भर. सवारी अपने जमान की खुद जिम्मेदार है, उनके साथ हमेशा ये टैगलाइन रही है. सो वो अपना स्टे खुद देखना, देन दे देन समटाइम्स यू डोंट हैव अ प्रॉपर आइटनरी, ठीक है, राइट. सो यू यू ऑलवेज गो विद अ पर्टिकुलर प्लान कि चलो कल हम क्या करेंगे, विल जस्ट गो फॉर अ विलेज वॉक. Okay, tomorrow what we'll do? We'll go riverside, we'll go to that cafe, we'll go to that temple. So, अपना खुद ही एक plan, अपना curate करते हैं. And sir, but it's good to curate a plan also. Or when you don't have a plan, just you go with the flow. And वो वाले भी travel, वो भी होता है. Because what I think for me, traveler is someone who is not there to like just. मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को कि वो खुद जाता है उस जगह, वो ज़्यादा plan नहीं करता है. And he let things as it happens. He let it happen as things happen. It happens. So हाँ. I think that देखो चीजें रहते ही हैं. I have I volunteered with a hostel brand in 2018 November. ठीक है. So I was there with them. My stay was for 7 days, but they extended my stay. कि are you loving? We are loving. मैंने कहा yes. So I stayed 3-4. So I like we are loving your stay. You are loving your stay. मैंने कहा yes. ठीक है. Yes. So मैंने कहा okay, good to go. We'll stay 3-4 more days. Then I stayed with them for 11 or 10 days. ठीक है. Nice. Now I was not having any plan kind of thing. मैं बीर पहले गया था बट एक्सप्लोर नहीं करा था. Now I was having a quality time. मैं हरी में नहीं था कि नहीं 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 सैटरडे को मुझे राफ्टिंग मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है. Why to go with that? I am here for 7 days, 10 days. मैं गया मंडे को आराम से. मैं कोई नहीं होगा आराम से जाऊंगा. ठीक है. Then I came to know about Rajgunda Valley. Okay. मैंने कहा okay, it's a place I want to go. It's an offbeat, बहुत ही कम लोगों को पता है. राजगुंदा बिलिंग के पीछे पड़ता है. बिलिंग के जो पहाड़ है उसके पीछे राजगुंदा बेसिकली आता कांगड़ा में ही है. बट यू कैन आइदर गो विद अ ट्रैकिंग मोड फ्रॉम बिलिंग टू राजगुंदा और यू कैन डू एन ऑल्टरनेटिव रूट. सो दैट्स द 360. यू कैन गो वाया जोगिंदर नगर बरोट वैली एंड फ्रॉम देयर इज अ गांव, वहां तक आप जाते हो. देन यू डू अ स्मॉल ट्रैक टू राजगुंदा विलेज एंड देन यू रिटर्न वाया बिलिंग एंड देन came back to be. So it's a 360 tour. Okay. Yes. So मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं था. वहाँ पे जब गया तब पता चला. तो मेरा plan, मेरा मन करा कि okay, we'll go there. ठीक है. कि let's figure out. So definitely I was lucky. Another hostel brand जो वहीं पे था competitor brand. That person contacted me and I went with them to that particular place. And then regarding cycling, I was not having a plan. मैंने कहा ओके आई एम डन विद दिस नाउ व्हाट कैन आई डू एट इवनिंग आई एम हैविंग सम टाइम मैंने कहा ओके इवनिंग्स आर गुड आई कैन डू साइकिलिंग आई कैन गो टू द नियर बाय मोनेस्ट्रीज ऑन साइकिल आई कैन रोम अराउंड इन द मार्केट जहां पे कैफेज होते हैं सो आई टुक अ साइकिल इट वाज जस्ट लाइक 100 बक्स फॉर एन आवर एंड सो प्लान नहीं था एक बार बीर में कोई प्लान नहीं था यार मोहित देख 10 दिन का मैं 7 दिन का गया था कोई प्लान नहीं मान के चला था यस प्लान नहीं होना चाहिए बट आई विल सजेस्ट पीपल टू डू अ होमवर्क एटलीस्ट एग्जैक्टली
होमवर्क करना जरूरी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही बैग उठाया कहाँ चल दिए, जे कहाँ जा रहे हो, चंबा पहुंच गए, चंबा किधर, कहाँ स्टे करना है, कुछ देखा, इधर से इधर कैसे जाओगे, हाँ इधर से इधर जाना है, कितने लगते हैं, 1000 रुपए, मैं तो 500 ही लाया था, यही तो प्लानिंग करनी थी। तो थोड़ा प्लानिंग रिक्वायर्ड होता है, बेसिक प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, ये नहीं कि विद जीरो की वो कोर्स आते हैं ना, लोग उसको लिटरली ले जाते हैं, डोंट गो विद द फ्लो, तो वो फ्लो के साथ बिल्कुल ही चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं।